नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिजली मीटर की रीडिंग को लेकर। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। अगर आपके घर का बिजली का मीटर रीड नहीं हो रहा है या फिर किसी और कारण से बिजली का बिल नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही मीटर रीडिंग या फिर बिल निकाल सकते हैं। बिजली कंपनी ने इसके लिए एक सेल्फ बिलिंग मोबाइल ऐप बनाया है। कई राज्यों में यह पहले से उपलब्ध है। यह सुविधा अब बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। फिलहाल इसका ट्रायल पटना के शहरी क्षेत्र में चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने से राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बिजली कंपनियों की माने तो उपभोक्ताओं को पहले से ही नए कनेक्शन व लोड में वृद्धि सहित कई सेवाएं मोबाइल ऐप पर दी जा रही है। मोबाइल ऐप को अब और विस्तार दिया गया है। अब उपभोक्ता ऐप से बिजली बिल भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस ऐप से वही उपभोक्ता बिजली बिल ले सकते हैं जिन्हें बीते 45 दिनों से बिजली बिल नहीं मिला हो। इस अवधि के पहले बिल निकालना संभव ही हो सकेगा। आपको बता दें कि बिजली कंपनी को 23 से 30 दिनों के अंदर मीटर रीडिंग करना होता है, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि इसमें विलम्ब होता है। एक साथ कई महीने का बिल भेज दिए जाने पर पैसे जमा करने में परेशानी होती है। कनेक्शन काट दिए जाने का भय भी बना रहता है। उपभोक्ता चाहे तो अब वे खुद ही नियमित मीटर रीडिंग कर बिजली बिल प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से कैसे निकालें बिजली का बिल? पिछले बिल के 45 दिनों बाद उपभोक्ताओं को खुद से बिजली बिल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आइए हम उसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर सुविधा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद ऐप पर बिजली बिल प्राप्त करने के लिए लिंक पर जाएं। लिंक खोलने के बाद उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी दें। मोबाइल से बिजली बिल की तस्वीर खींचकर अपलोड करें। बिजली कंपनी लिंक से मिली जानकारी को 2 दिनों के अंदर वेरीफाई करेगी कि उपभोक्ता को 45 दिनों के अंदर बिल मिला है या नहीं। वेरीफिकेशन के बाद कंपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिजली बिल भेजेगी। बिल के अनुसार उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली की खपत हुई है। राज्य में अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को चरणावर तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए गए हैं। मौजूदा समय में राजधानी पटना के दर्जन भर मोहल्लों और राज्य के 2 दर्जन शहरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर मुफ्त लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। उपभोक्ता को इस सुविधा का लाभ अप्रैल 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी और रिचार्ज करवाने के बाद बिजली खुद ब खुद आ जाएगी। इस दौरान प्रीपेड मीटर से आपको किस किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, तो सबसे पहले है कि बिजली बिल की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। इसके बाद बिल जमा करने से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मीटर बंद और चालू करने की भी सुविधा आपके पास होगी। खपत के अनुसार रिचार्ज कराएंगे, ये सबसे बेहतरीन है। मोबाइल के जरिए चलेगा प्रीपेड मीटर। बिहार में बिजली बिल में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से बिजली के बिल में अब बदलाव किया गया है। अगर आपके पास लंबे समय से बिजली का बिल नहीं आ रहा है तो आप खुद भी बिजली का बिल निकाल सकते हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार प्रीपेड मीटर भी लगा रही है जिससे आपको खपत के अनुसार रिचार्ज करवाने की सुविधा होगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।